नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफी बच्चों ने बोला कि सर जो आपका हॉस्टल वार्डन है इसका सिलेबस डिस्कस कर दीजिए कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है और ये पॉस्को है ये क्या है, इसमें क्या पूछा जाएगा। बाकी सब चीजें तो जो EMRS की वैकेंसी आई है उनसे आपका सिमिलर मिलता है, उनके बारे में उनको पता है, लेकिन अभी इन दो जो सब्जेक्ट हैं इनका सिलेबस क्या रहेगा, टॉपिक इसके अंदर हमें क्या पढ़ना रहेगा। तो इसके डिस्कशन को मैं लेकर आया हूं कि आपका क्या सिलेबस रहेगा, पूरा सिलेबस में डिस्कस करूंगा, एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहेगा, इन सब के बारे में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों अपने भाइयों तक शेयर करिए। जो बच्चे हॉस्टल वार्डन के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, परीक्षा प्लस टीम एकदम मिनिमम फीस में कोर्स लॉन्च कर दिए, तो आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके इससे जुड़ सकते हैं। अभी ये ऑफर प्राइस में चल रहा है और 15 दिन के बाद इसका ऑफर जो है समाप्त हो जाएगा। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर से आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें परीक्षा प्लस, और वहां से आप कोर्सेज में जाएंगे तो ये वार्डन का है 592 प्लस GST है, ऑलमोस्ट ये 699 का है कोर्स जो है वार्डन वाला। तो इसमें आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट है, पॉस्को है, बाकी जितने सब्जेक्ट हैं वो सभी आपके पढ़ाए जाएंगे, जो आपके सिलेबस में पूरा पैकेज है। इसमें आपको देखिए क्लास प्लस रिकॉर्डेड लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट सेशन होगा, और इसकी जो वैलिडिटी है बच्चे बोलते हैं ये टिल एग्जामिनेशन तक होगा, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम खत्म होने के बाद इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो भी बच्चे लैब अटेंडेंट की भी तैयारी करना चाहते हैं या JSA की करना चाहते हैं तो उसका भी कोर्स हमने लॉन्च कर दिया था, क्योंकि पहले फेज में जो EMRS की वैकेंसी आई थी वो दो वैकेंसी आई थी और सेकेंड फेज में आपकी TGT और वार्डन की वैकेंसी आई है, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, ये आपको किताबें जो आपका नोट्स बोला गया है तो ये आप नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये आप नोट्स देख सकते हो, ये ईबुक है, ये PDF के फॉर्म में आपको मिलेगा ईबुक जो है। तो जैसे जैसे नोट्स हमारे तैयार हो जाएंगे आपको वहां पर PDF के फॉर्म में पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी। जैसे ये पॉस्को वाला है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड का नोट्स तैयार, और आपका लैंग्वेज का है, ICT का है, तो ये सभी आपके जो है नोट्स आपके ईबुक के फॉर्म में परीक्षा प्लस ऐप पर PDF सेक्शन में लगे रहेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली आपका सिलेबस क्या है। एग्जाम पैटर्न आपने देखा होगा कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहा है, एग्जाम पैटर्न पे मैंने एक वीडियो बनाया भी है। तो ओवरऑल यहां पर देखिए कि आपको ये ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, ब्राइटनेस आपका कम हो गया। अब यहां पर आप देखिए कि जो 120 प्रश्न यहां पर आएगा, जनरल अवेयरनेस का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का है। इसके सिलेबस पर भी मैंने आपको परिचर्चा किया, उसको देख लीजिएगा। रीजनिंग एबिलिटी आपकी 20 क्वेश्चन है और अच्छा खासा सिलेबस है, इसे आपको पढ़ना है। ICT का जो है कंप्यूटर भी आपके 20 प्रश्न आएगा, तो इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस बहुत अच्छा है इसका दिया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये देखो पॉस्को और अदर चिल्ड्रेन रिलेटेड एक्ट जो है, मतलब चिल्ड्रेन सेफ्टी से रिलेटेड जो एक्ट निकाले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी पढ़ना, और ये 10 ही क्वेश्चन आएगा, बहुत नहीं, तो बहुत डिटेल नहीं जाना है इसको, बस एक्ट कब आया, किस लिए आया, क्या क्या प्रावधान रहे, ये सब आपको पढ़ना है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड क्या है, ये 30 मार्क्स का है, तो ये अच्छा मार्क्स है। और बाकी आपका जो लैंग्वेज है 10 हिंदी से रहेगा, 10 जनरल इंग्लिश रहेगा आपका, और रीजनल लैंग्वेज में आपके 10 रहेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन आपका इससे रहेगा। अब बेस बात बलता है कि रीजनल लैंग्वेज में जो बाकी आपके मेघालय के हैं, आपके साउथ के हैं जो तेलुगु वाले में है, वो अपना रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन बाकी आपके जो नॉर्थ वाले हैं वो क्या लेंगे, वो या तो इंग्लिश लेंगे या तो हिंदी लेंगे, तो ये तो कंपल्सरी है हिंदी और इंग्लिश, लेकिन रीजनल लैंग्वेज की जगह आप हिंदी भी ले सकते हो और इंग्लिश भी ले सकते हो। इसका सिलेबस जो होगा ऑलमोस्ट वही रहेगा हाई स्कूल तक, मतलब आपके एक तरह से बोला जाए क्लास 10th 11th तक वही हिंदी का सिलेबस रहेगा, बाकी नहीं, क्लास 10th लेवल तक का सिलेबस रहेगा, ग्रामर वामर ज्यादा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये 18 लैंग्वेजेस में से आप ले सकते हो। हाँ, निगेटिव मार्किंग बच्चे पूछते हैं, तो निगेटिव मार्किंग आप ध्यान दीजिएगा, हाँ 2 मिनट रुक जाइए, ये बोर्ड आपका ऑफ हो गया। दो मिनट बस, निगेटिव मार्किंग जो है आपका,
निगेटिव मार्किंग जो है आपकी, निगेटिव मार्किंग के बारे में बता दें, निगेटिव मार्किंग 0.25 का है, ठीक है, पूरा बाकी सब कुछ वही है। पेपर का मोड जो होगा पेन पेपर मोड होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग सिलेबस पर, क्या सिलेबस आयोग ने दिया है। अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, जब आप ईएमआरएस की वेबसाइट खोलेंगे तो अभी फॉर्म का फिल करने के लिए अप्लाई का लिंक नहीं एक्टिवेट हुआ है, हो सकता है अभी कुछ देर में एक्टिवेट भी हो जाए या कल हो जाए, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना कि सर अभी तो आया नहीं, आप पहले बता रहे, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, सिलेबस आपका आ चुका है, बस अप्लाई की लिंक अभी ओपन नहीं हुई, तो वो भी आपका ओपन हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सब तो सेम है आपका, जो आपके जनरल अवेयरनेस है वो सेम आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर विथ स्पेशल इम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के फील्ड में आपसे करंट पूछा जाएगा। बाकी आपके जीएस भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा, कहां से क्या क्वेश्चन पूछ दे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जनरल स्टडीज के पार्ट भी ओवरऑल फैक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की यहां पर बात किया गया है, तो यह पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, वर्बल रीजनिंग होगा, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एसेशन एंड रीजन, वेन डायग्राम, ये आपका ऑलमोस्ट जैसा ही आपका सिलेबस बाकियों के लिए आया है वही सेम सिलेबस रीजनिंग का यहां पर भी है। अब कंप्यूटर की बात करें, जो आईसीटी है वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपका जनरल ही एक तरह से कंप्यूटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद एमएस ऑफिस पूरा आपका पावर पॉइंट पढ़ना है, इसमें आपका वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, इनसे ज्यादा प्रश्न आपके बनेंगे। फिर कीबोर्ड शॉर्टकट की पढ़ना है और एब्रिवेशन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है, ये अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट पढ़ना है, तो ये आपके कहीं ना कहीं अच्छा खासा वेटेज भी रखता है, 20 क्वेश्चन है, तो इन सबसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, तो एकदम प्रैक्टिकली आपको पढ़ाया जाएगा, ये निश्चिंत रहिए। हाँ, अब जो नया आपका यहां पर सिलेबस में दिया गया है पॉक्सो, तो यहां पर क्या है, किससे क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने बताया ना सिर्फ आपको चाइल्ड रिलेटेड एक्ट ही पढ़ना है, तो जैसे आपका कौन सा है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, जो बाल विवाह था उसको रोकने के लिए, तो ये एक्ट आपका 2006 इसके बारे में ये भी दे दिया है कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2006 में जो एक्ट आया था उसके बारे में पढ़ना है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज रूल्स 2020, ठीक है, एक्ट पढ़ना है 12 वाला, रूल पढ़ना है 2020 वाला। द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड द रेगुलेशन एक्ट 1986 पढ़ना है आपको, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006 पढ़ना है, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, ठीक है, 2005 पढ़ना है, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट RTE, ये आपका पार्ट RTE जो होता है, सीटेट में भी जो आप लोग दिए होंगे, कोई बीएड वाला होगा तो RTE आपका वहां पर भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ये RTE आपका वहां से पढ़ना है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पढ़ना है, चाइल्ड पॉलिसी पढ़ना है, ठीक है, देखिए क्या है, चाइल्ड पॉलिसी पढ़ना है, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन पढ़ना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पढ़ना है, जो बच्चों के मृत्यु दर है उनके बारे में, और जेंडर रेशियो पढ़ना है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, एक एक टॉपिक है आपका, बहुत ज्यादा इतना बड़ा लग रहा है लेकिन ये एक एक दिन के टॉपिक है, बस आपको एक्ट के बारे में बताना है, क्या क्राइम है, इसकी सजा क्या है, इस सब चीजों के बारे में आपको डिस्कशन इसमें किया जाएगा। अब हम आते हैं जो सबसे बड़ा नंबर आपका उठाएगा यहां पर, 30 मार्क्स आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। अब इसमें क्या, देखो इतने बड़े सिलेबस आपका निपट गया है, इसमें जनरली क्या है, जो आपका वर्क होगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका वर्क क्या है उसी के बिहाफ पर यहां पर प्रश्न होगा, एक तरह से बोल सकते हो आपकी थिंकिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी भी यहां चेक होगी, ठीक है। जैसे बोला हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब यहां से प्रश्न कैसा बनेगा, हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चा शोर कर रहा है, चाहे बच्चे का लाइन में लगाना है, तो आप कैसे हैंडल करोगे, इसी प्रकार की एक तरह से बोला जाए मानसिक आपकी एक तरह सोच क्या होगी बच्चों के प्रति, जब आप एज ए वार्डन जाओगे वहां पे। मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंटरीज ऑफ हॉस्टल्स, मतलब जो आपके वार्डन का काम क्या होता है, जो भी चीजें आपके वहां पर बनने के लिए आता है, बच्चों का खाना हो गया, बच्चों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो उनके खेलकूद के सामान हो गए, ये सब जो आते हैं उनको आप कैसे मैनेज करते हो, इनका नॉलेज आपका चेक होगा। इंश्योरिंग ए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखना, कि बच्चा कोई आपके हॉस्टल से भाग ना जाए,
ठीक है, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है और उनके जो तबियत वबियत खराब होती है उसके बारे में आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। तो ये वार्डन की ड्यूटी है, जो मतलब आपकी ड्यूटी रहेगी वहां पर उसी से रिलेटेड है। तो ऐसे प्रश्न को आप एक बार थ्योरेटिकल वो पूरा हमारा नोट्स पढ़ लेंगे ना, तो आपका दिमाग काम करने लगेगा कि क्या क्या हमें करना है, और वो मेंटल पे डिपेंड करता है, आपके सोच पर डिपेंड करता है। इंश्योरिंग सेग्रेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, मतलब जो आपके एक तरह से बोला जाए कि गर्ल्स और बॉयज हैं, इनके बीच में क्यों दूरियां बनाई रखनी चाहिए, ऐसे चीजें सेग्रेगेशन रखना चाहिए, तो वो उसके बारे में भी आपको बताना है। इंश्योरिंग ए क्लीननेस हॉस्टल प्रमिसेस, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का रिकॉर्ड रखना है, और जो आपका हॉस्टल का एरिया है उसको क्लीन रखना है एकदम, ऐसा नहीं कि एकदम गंदा हो, बच्चों का रूम क्लीन हो। तो इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा और जनरल से क्वेश्चन होंगे कि अगर रूम गंदा होता है तो बच्चों के इनमें से क्या हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, ये जनरल से ऐसे प्रश्न बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, टीम आपको पूरा नोट्स और पूरी वीडियो क्लासेस के थ्रू ये आपका जो प्रॉब्लम है 30 क्वेश्चन ये सॉल्व कर देगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रीहेंस, सल्फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स है आपका, ग्रामर है पूरा। तो आपको इंग्लिश वही पढ़ना है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, सर सर्वेश सर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, आप एकदम पढ़ लीजिए, इसमें एक भी प्रश्न आपका जो है गलत नहीं होगा। संधि, समास, विलोम शब्द, परिवाची, देखो ये विलोम परिवाची रटने वाला है, समान अशुद्धियां वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये भी रटने वाला है, ये भी रटने वाला है। गद्यांश कैसे करना है वो आपको बता दिया जाएगा, पढ़ने वाला जो समझने वाला है बस संधि और समास है आपका। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराएगा। अब रीजनल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यहां साफ साफ बोला गया है आपसे क्या कि बेसिक ग्रामर क्वेश्चन लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग एरर एट हायर सेकेंडरी लेवल इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। जो भी आपके ये 18 लैंग्वेज हैं इनमें आपके उसके परिवाची हो गया, विलोम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एरर आ गया, इन्हीं से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, लेवल बोल दिया है, हायर सेकेंडरी लेवल का होगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हो या हिंदी चूज करते हो, जाहिर सी बात है जितने एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बच्चे हैं ये सभी ना सभी इंग्लिश और हिंदी में से ही लेंगे। बाकी जो साउथ वाले होंगे और ईस्ट वाले हैं जिनकी लैंग्वेज यहां पर दी है, वो अपना अगर लैंग्वेज लेते हैं तो उनके लैंग्वेज से ही उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्रामर बेस्ड प्रश्न एक तरह से नहीं रहेंगे। आपका सिंपल सा बोला है बेसिक ग्रामर क्वेश्चन लाइक इससे, ठीक है, बेसिक सा चीजें रहेगा कि कहां पे कैसे यूज किया जाता है, अशुद्धियां रहेंगी तो उसको शुद्ध करना होगा, ये आपके जो है सिलेबस है। तो बहुत ही एक तरह से बोला जाए आसान सा और डेडिकेटेड सिलेबस है कि 2.5 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा बैच का टारगेट भी यही है आपका जो हॉस्टल वार्डन का है कि आपको 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। हम साथ में साथ आपका सेक्शनल टेस्ट भी लेते रहेंगे जो भी टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर ले, वहां से आप ले सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है तो आप इन नंबर पर कॉल करके जो है पूछ सकते हैं, अगर आपकी कोई समस्या है तो 91-29-69-70-80 ये दो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और परीक्षा प्लस ऐप से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेस कर सकते हैं, परीक्षा प्लस ऐप से आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं, मात्र 699 का ये बैच है। ठीक है, आपकी कोई भी समस्याएं हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। आप लोग सिलेबस के बारे में बोल रहे थे, मैं सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया, बाकी आपके हर एक पार्ट का सिलेबस आपके टीचर जब आपको पढ़ाने जाएंगे क्लासेस में आपको डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।